यूं तो 90 के दशक में कई अभिनेत्रियों ने अपना कदम रखा, पर अगर बात की जाए उनमें से सबसे सफल एक्ट्रेस की तो उनमें सबसे पहले अभिनेत्री काजोल और रवीना टंडन का नाम आएगा। ये दो अभिनेत्रियां ऐसी रहीं जिन्होंने 90 के दशक पर राज किया है, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देकर। इस दौरान दोनों ने जितनी भी फिल्मों में काम किया वो सभी हिट साबित रहीं। लेकिन अगर बात की जाए 1990 से लेकर 1999 तक, पूरे 90 के दशक में किसने दी है सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में, कौन सी एक्ट्रेस इस मामले में मारेगी बाजी, सवाल का जवाब जानने के लिए आज के हमारे इस वीडियो में हम इन दोनों ही एक्ट्रेस की 10 सालों में की गई सभी फिल्मों का कंपैरिजन करेंगे और अंत में देखेंगे इनमें से किसने दी है सबसे ज्यादा हिट और सुपरहिट फिल्में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, साथ ही अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं अभिनेत्री रवीना टंडन से। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1991 की फिल्म पत्थर के फूल से की थी और साल 1999 तक 10 सालों में इन्होंने 36 फिल्मों में काम किया। उन 36 फिल्मों में अगर बात करें इनकी हिट फिल्मों के बारे में तो 36 में से इनकी 7 फिल्में हिट रहीं, जिनमें लाडला और दूल्हे राजा जैसे फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन सभी फिल्मों ने अपने बड़े बजट से काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जैसा कि साल 1994 में रिलीज हुई लाडला फिल्म का बजट 4 करोड़ था, इस फिल्म ने 14 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं दूल्हे राजा फिल्म ने 5 करोड़ के बजट के साथ 22 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं हिट फिल्मों के बाद बात की जाए इनके सुपरहिट फिल्मों के बारे में तो इन्होंने इन 10 सालों में 4 सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें अनाड़ी नंबर 1, दिलवाले, जिद्दी और खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म का नाम शामिल है। दिलवाले मूवी ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया, खिलाड़ी का खिलाड़ी ने 25 करोड़ का और जिद्दी मूवी ने 29 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी तरह अनाड़ी नंबर 1 फिल्म ने 12 करोड़ के बजट के साथ 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अब बात करते हैं काजोल के बारे में। काजोल ने 1993 की फिल्म बाजीगर के साथ अपने सिने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद साल 1999 तक काजोल ने 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से पहले बात करें इनकी हिट फिल्मों के बारे में तो 16 फिल्मों में से इनकी केवल 2 फिल्में हिट रहीं, जिनमें 1997 की गुप्त और 1998 की प्यार किया तो डरना क्या फिल्म शामिल है, जहां गुप्त फिल्म ने 9 करोड़ का बजट पार करते हुए 33 करोड़ की कमाई की। वहीं प्यार किया तो डरना क्या फिल्म ने 7 करोड़ का बजट होकर 33 करोड़ की कमाई की। वहीं अगर बात करें इनकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में तो इन्होंने अपने इस छोटे से करियर में 3 सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें इनकी पहली फिल्म बाजीगर के साथ साथ इश्क और हम आपके दिल में रहते हैं जैसी फिल्में शामिल हैं, जहां बाजीगर फिल्म ने 2 करोड़ का कलेक्शन देते हुए 14 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया। वहीं इश्क ने 10 करोड़ के बजट के साथ 368 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ हम आपके दिल में रहते हैं मूवी ने 6 करोड़ के बजट के साथ 36 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। आपको बता दें कि काजोल ने हिट और सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ करण अर्जुन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं, साथ ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जो रवीना नहीं दे पाई जबकि उन्हें पूरे 10 साल मिले थे। वहीं काजोल ने केवल 7 सालों में ही इतनी सफलता हासिल की। तो दोस्तों, आपका इनमें से किस एक्ट्रेस की फिल्म को हिट बनाने में योगदान रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।